धन्यवाद आपके जी, आप हमारी वीडियो पर आए हैं। आप खुश रहिए और आपके माता पिता भी बहुत खुश रहे। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छे लगे तो आप शेयर भी करिएगा। तो आज हम लेकर के आए हैं हाथी और खरगोश की कहानी। तो चलिए इस कहानी को हम देखते हैं आखिर है कैसी। इस घने जंगल में एक बहुत बड़े शक्तिशाली हाथियों का झुंड रहा करता था और ये अपनी मस्ती में सारे जंगल में घूमा करते थे। ये अपने सामने किसी भी जानवर को कुछ नहीं समझते थे, इसलिए अधिकतर जानवर इनसे डर के मारे दूर ही रहते थे और इन बलशाली हाथियों से सभी डरते थे। एक बार जंगल में कुछ ऐसा हो गया कि कई महीनों तक वर्षा नहीं हुई और सारे तालाब नाले सूख गए। हाथियों को यह देखकर चिंता होने लगी क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे भी रहा करते थे। वे सोचने लगे कि अब उनका काम कैसे चलेगा क्योंकि उनके जो नन्हे बच्चे हैं वो पानी कहाँ से पिएंगे और कैसे नहाएंगे। और पानी की बहुत सारी जरूरतें भी पड़ती हैं, इसलिए वे अपने राजा के पास गए। उन्होंने उनसे कहा कि वही कोई उपाय करें। तो हाथी राजा को याद आया कि जंगल में एक ऐसी झील भी है जहाँ पे जल कभी नहीं सूखता और धरती के नीचे से ताजा पानी हमेशा उसे भरता रहता है। यह जानकर पूरा झुंड बहुत खुश हुआ और इसी वक्त सभी उस झील तक जाने के लिए तैयार हो गए और ये सब झील की ओर चल दिए। तो कुछ ही देर के बाद ये सब उस झील के पास जा पहुंचे और पानी देखते ही वे सब दीवानों की तरह उस ओर लपके और झील के किनारे की दलदली भूमि में बहुत से खरगोशों के बिल भी थे। तो हाथियों के चलने से उसमें से कई खरगोश मारे और कुछ ले गए। अपनी अपनी मस्ती में चलते और दौड़ते उन हाथियों को यह पता ही नहीं चला कि उन्होंने कितने ही खरगोशों को जान से मार दिया है। और खरगोश इसमें बहुत दुखी थे। उन्होंने हाथियों के जाने के बाद एक सभा की और वे सब आपस में चर्चा करने लगे कि आने वाले समय में ऐसे हमले से अपने परिवारों को बचाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। वे तो आकार में बहुत बड़े हैं और संख्या में बहुत ज़्यादा, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हमें कोई ना कोई राह तो निकालनी ही होगी ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचा जाए। और तभी ऐसे कहा उसके बाद एक नन्हे खरगोश ने कहा, क्या हम उन्हें डराकर भगा नहीं सकते। हाँ हाँ विचार तो बुरा नहीं है, मुझे जरा सोचने दो। तभी एक बूढ़े खरगोश ने कुछ सोचते विचारते हुए कहा। फिर वह बोला, पता है हाथी ताकतवर होने के बावजूद थोड़े मूर्ख किस्म के जानवर होते हैं। उन्हें जो भी कहा जाए ये उस पर झट से विश्वास कर लेते हैं, इसलिए हम उनके साथ एक चाल चलेंगे। उसके लिए क्या तुम सब तैयार हो। खरगोशों ने कहा, हाँ हाँ सिर हिलाते हुए। तो सुनो, हम लोगों में से एक खरगोश दूत बनकर उसके पास जाएगा। हम कहेंगे कि हमें हमारे महाराज चंद्रमा ने भेजा है, वे उस झील के स्वामी हैं। चंद्रमा ने हाथियों को संदेश दिया है कि वे अगर अपनी जान की सलामती चाहते हैं तो वे आज के बाद दोबारा कभी झील की ओर ना आए, वरना उनकी खैर नहीं। तभी एक खरगोश पहाड़ी पर चला गया और हाथियों के झुंड के आने का इंतजार करने लगा और इंतजार करते करते ही शाम होने लगी। तभी हाथियों का झुंड आते हुए दिखाई पड़ा और जैसे ही सभी हाथियां पास में आईं तो खरगोश ने चिल्लाकर हाथियों से कहा, सुनो हाथी राजा, आप झील के पास ना जाएं, आपकी जान को खतरा हो सकता है। झील के राजा चंद्रमा ने मुझे दूत बनाकर आपके पास भेजा है ताकि आपको यह संदेश दिया जा सके। और हाथी ने सारी बात सुनी। उसके बाद कहा कि वह चंद्रमा राजा से मिलना चाहता है। उसने खरगोश से कहा कि वह उसे
अपने राजा से मिलवा दे। रात भी बहुत ज्यादा हो गई थी और खरगोश ने कहा, चलो ठीक है, मैं अपने चंद्रमा राजा से तुम्हें मिलवाता हूँ। तो चल पड़े वहाँ से सभी, और झील के पानी में चंद्रमा की परछाई दिखाई दे रही थी। तो हाथी ने उसे ही खरगोशों का बलशाली राजा समझ लिया और उसने डर कर चंद्रमा को नमस्कार किया और फिर कभी झील की ओर नहीं गया। और सारे खरगोश यहाँ पे खुशी खुशी रहने लगे।